के साथ आगे बढ़ाना चाहूंगा मिस्टर सौरव शर्मा का। गुड एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मेरा टाइम हो रहा है, प्लीज। आपको कम मौका मिलेगा सुनने के लिए, वो घड़ी चल रही है। बैठ जाइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, अरे आप मना करो ना यार, अरे बैठ जाओ यार, अरे हाँ समझ गया मैं, बैठ जाओ। आई लव यू टू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे हाथ जोड़ रहा हूं, बैठ जाओ भाई। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो लोग आए हैं यहां पर। अरे मेरा टाइम निकल, भारे साहब समझाओ आप एक बार, भारे साहब आएगा। अरे भाई इनको सुन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्यार हम समझते हैं, आपकी मोहब्बत हम समझते हैं, शुक्रिया। एक बार वो बोल दो, इट्स गोइंग टू वर्थ इट। सबसे पहले आप सबको 20वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जितने भी लोग यहां पर आए हैं, यहां जितने भी लोग स्टेज पर खड़े हैं, सबसे कम समय वेस्टेज हुए हैं मुझे मिला है। इन सबसे ज्यादा मौका मिला है इनको वेस्टेज के प्यार का, डायरेक्टर्स के प्यार का। मैं सबसे कम उम्र का लड़का हूं यहां पर, मैं सबसे कम प्यार मुझे मिला है 20 साल में। सो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आई डिड माई, बहुत सारे लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, 98 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया डीएवी कॉलेज से। स्कूल में और कॉलेज की मैं एक मिनट की कहानी आपको बता दूं। मैं 9th में फेल हो गया था, 11th में भी लुढ़का और 1st ईयर में भी टपक गया। हाँ, मेरी जिंदगी में 3 भारत रत्न है, और ये जो हंस रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड से नहीं आए, मेरी तरह होंगे। गरीब का मजाक ना बनाए आप। तो 98 में बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन करके जब घर गया तो पिताजी को डिग्री हैंडओवर किया। पिताजी को बोला फाइनली आपका बेटा पास हो गया, मैं आपको डिग्री गिफ्ट कर रहा हूं, आप भी मुझे कुछ गिफ्ट करिए। और वो हंसे और कमरे में गए और वापस आए 5 मिनट के बाद, कुछ कागज उनके हाथ में थे, मेरे हाथ में दिए, बोले हमारी तरफ से तुझको तोहफा है। मैंने कहा ये क्या है? बोला हम पे 3 लाख का कर्ज है, तुझे उतारना है। तो बहुत शानदार रेड कार्पेट वाला शुरुआत हुआ मेरा। स्कूल कॉलेज में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था मैं, आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग टीचर बाहर खड़ा रखती थी। और ये जितने हंस रहे हैं रिलेट कर रहे होंगे मेरे से अपने आप को, है ना। सो आपको बहुत बहुत बधाई, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। और मैं हैप्पी बर्थडे इसलिए भी बोल रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी बचे हुए जीवन का आज पहला दिन है। जो समय बीत गया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो समय बच गया है उसको शानदार बना सकते हैं हम लोग। ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स ने बहुत कुछ कह दिया है। मेरी डायरेक्ट सैनिक यात्रा 2001 में स्टार्ट हुई, आज 23 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। इस 23 साल में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या एक चीज है जो किसी भी डायरेक्ट सेलर को किसी भी जगह पे कामयाब बना सकती है, तो मैं चंचल जी को सुन रहा था, उन्होंने एक शब्द यूज किया था, फोकस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस डिजिटल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, मैं खुद सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूं और बहुत मेरा काम रहता है, मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहता हूं इस स्टेज पर खड़ा होकर। अपने फोकस को बनाए रखिए, क्योंकि आपसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। अपने फोकस को बनाए रखिए। प्रॉब्लम क्या है कि शिकार करने के लिए आदमी जब घर से बाहर जाता है ना और तीर कमान चलाता है, तो सबसे पहले उसको जब खरगोश नजर आता है तो उसको खरगोश पर निशाना लगाना होता है। खरगोश के पीछे पीछे भाग रहा होता है, पीछे पीछे भाग रहा होता है, जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है अचानक उसको हिरण नजर आता है, वो उसका निशाना खरगोश से हटके हिरण पे आ जाता है, उसको लगता है मांस ज्यादा मिलेगा।
फिर बड़ी मुश्किल से उस पर फोकस करता है, 10-5 मिनट जब उसके पीछे भागता है, तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक बारहसिंगा नजर आता है, उसको लगता है यहां मांस ज्यादा मिलेगा, इसको छोड़ इसको पकड़। तो जैसे ही बारहसिंगा पे शूट करने वाला होता है, थोड़ी देर में उसको दिखता है जिराफ, उसको लगता है छोड़ बारहसिंगा, जिराफ ज्यादा तगड़ा है, इसको पकड़। ये जिंदगी भर अपने टारगेट बदलता रहता है और खाली हाथ जब घर वापस आता है तो दोष देता है साला किस्मत ही खराब थी, आखिरी में इसको लगता है मेरा किस्मत ही खराब था, कुछ मिला ही नहीं मुझे यार। और अपनी दुख भरी कहानी अपने माँ बाप को बताता है कि मेरी किस्मत खराब है, और बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है, आखिर माँ नहीं जाती कि किस्मत खराब होगी बेचारे की, इसीलिए कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं बता दूं, जब बड़े हो जाएंगे आप, शादी ब्याह हो जाएगा, तो ये कहानी बच्चों के आगे मत सुनाना कि किस्मत खराब है। बच्चे में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो आपको बोल देगा कि पापा एक जगह टिक के काम करते ना तो कामयाब हो जाते थे, ये इधर उधर मुंह मारते रहे ना जीवन भर, तो ये प्रॉब्लम है। मेरी बहुत बहुत बधाई है, आप सबको शुभकामनाएं हैं, कहने का तो बहुत सारा मन है लेकिन समय इजाजत नहीं देता। अरे भाई कैसे बोले, चुप कर जा, तू पहले 1.5 मिनट खा गया मेरे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ, कभी और मौका मिलेगा तो फिर आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया।